इस वीडियो में फिर से हम बात करेंगे एक और ब्रांड के बारे में। और आज मैंने यहाँ पर 3 फ्रेम लिए हैं, वो भी हमारे करेरा के। करेरा आपने सुना होगा गाइस, काफ़ी अच्छा ब्रांड है और स्पेशली फ्रेम के मामले में तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो इसके 3 फ्रेम गाइस हम यहाँ पर देखेंगे और देखते आपको इनमें से कौन सा जो है अच्छा लगता है। पहला गाइस मैंने पहना हुआ है और ये शीट में मैंने लिया है, प्योर शीट है। और फ्रंट से देखे गाइस तो फ्रंट से होगा ये ब्लू कलर होगा और स्टिक इसकी डबल कलर में है। यहाँ से गाइस हाफ स्टिक इसकी ब्लू मिलेगी आपको और हाफ जो है ट्रांसपेरेंट में मिलेगी। अंदर की साइड से गाइस हाफ रेड होगी और हाफ हमारी वही ट्रांसपेरेंट होगी। तो कलर काफ़ी अट्रैक्टिव है और शेप भी काफ़ी अच्छा है इसका। शेप मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। और पहनने के बाद गाइस कुछ इस तरीके का इसका लुक जो है आने वाला है। और प्राइस की बात करें गाइस तो इसकी प्राइस होने वाली है 4,600 रुपये। और शेप तो काफ़ी अच्छा है ही। और गाइस करेरा का जो है ये फ्रेम है और आपने यहाँ से देख सकते हैं, इस पर करेरा का ब्रांड का जो है लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। और मॉडल नंबर गाइस, मॉडल नंबर मुझे पता है आप लोग लिए। मॉडल नंबर की बात करें गाइस तो मॉडल नंबर इसका होने वाला है CA6196। और इसका दूसरा मैं फीस आपको दिखाता हूँ गाइस। मैंने तीनों जो है अलग अलग में लिए हैं, एक शीट में लिया है और एक हाफ फ्रेम में लिया है और एक हमारा फुल फ्रेम में। तो गाइस मैं हाफ फ्रेम वाला इसका यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके का जो है होगा। हाफ फ्रेम में गाइस मैंने लिया है ये चीज़ और स्टिक इसकी गाइस ब्राउन है और फ्रंट इसका काफ़ी अट्रैक्टिव मॉडल है ये भी। और फ्रंट इसका सिल्वर टाइप में गाइस होने वाला है। और इसका लुक पहनने के बाद अगर गाइस आपकी फैमिली में कोई है या फिर आप खुद अगर कोई प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में सोच रहे हो बनवाने के बारे में, तो इस टाइप के लेंस काफ़ी इस टाइप के फ्रेम्स काफ़ी अच्छे होते हैं प्रोग्रेसिव के लिए, क्योंकि इन्हों में शेप जो है नीचे से अगर बढ़ाने की ज़रूरत हमें पड़ती है तो हम बढ़ा भी सकते हैं, और अगर हमें शेप छोटा करना होता है तो हम इसमें छोटा भी कर सकते हैं। इसमें बहुत से लोगों को गाइस एक दिक्कत आती है, वो होती है कि इसके ग्लासेस निकल जाते हैं, तो वो उन्हीं की वजह से निकलते हैं क्योंकि वो लोग ठीक तरीके से इनको यूज़ नहीं करते हैं। इसको यूज़ करने का गाइस हाफ फ्रेम में यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इससे इस तरीके से दोनों हाथों से जो है पहने और जब उतारना हो तब दोनों हाथों से ही उतारें। अगर आप इस तरीके से एक हाथ से अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ग्लासेस निकलने की दिक्कत होती है, साथ ही साथ बैलेंस आउट होने की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये भी गाइस काफ़ी अच्छा मॉडल है इसका। और इसमें मैं आपको बता दूँ इसकी प्राइस जो होने वाली है वो होगी 3240 रुपये। और ये भी आप चाहो तो ले सकते हो। और तीसरा गाइस मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ वो भी इसी का जो है एक फ्रेम है और ये फुल में मैंने लिया है। और फुल में गाइस कुछ इस तरीके का जो है ये मॉडल होने वाला है, आप देखिएगा। और ये भी काफ़ी एक अट्रैक्टिव मॉडल है, तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा। तीनों की तीनों मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बट ये थोड़ा सा क्या है कि जो हमारे ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं उनके फेस पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, मेटल में मैं कम ही पसंद करता हूँ। और इसकी प्राइस भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसकी प्राइस होने वाली है 3240 रुपये। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो मैं मुझे ये शीट वाला लगा जो मैंने फर्स्ट में आपको दिखाया था, काफ़ी अच्छा। मतलब मेरे हिसाब से, मेरे फेस के हिसाब से, आपके हिसाब से अलग हो सकता है, आपको इनमें से कोई दूसरा और पसंद आया हो, लेकिन मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और गाइस मटेरियल पे शक करने की कोई बात हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारे पास है करेरा। और ये आप भी जानते होंगे, आपने भी काफ़ी बार इसका नाम सुना होगा ब्रांड का। तो ये 3 मॉडल थे गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन तीनों में से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है और पसंद कौन सा है आपको इन तीनों में से। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर।